जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार। मैं लता जंगेल, सीजी ब्लॉगर लता अरुण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन, और उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे और ओंकारेश्वर जाएंगे। दोस्तों, हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं, बैठ चुके हैं और हम लोगों का हो रहा है भोजन। तो ये देखिए, इतना सारा वैरायटी है और हम लोग भी खाना खा रहे हैं। ये देखिए, दोस्तों हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं फ्रेश होके, नहा धो के अब जा रहे हैं खाना खाने। उसके बाद पूरा संपूर्ण उज्जैन का भ्रमण करेंगे, दर्शन करेंगे। और रात में हम लोग आरती में महाकाल जी के दर्शन करेंगे, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आए हैं खाना खाने और भाभी लोग यहाँ उतर रहे हैं और मैं भी आई हूँ। ये देखिए, यहाँ ढाबा में खाना खाने के लिए आए हैं उज्जैन में। तो चलिए दोस्तों, आप ही हमारे साथ खाना खाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। ये देखिए, दे दे। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं सांदीपनी आश्रम, जहाँ कृष्ण भगवान सुदामा और बलराम विद्या लिए थे। ये देखिए भगवान की पाठशाला। ये देखिए, हम लोग आए हैं वट सावित्री मंदिर में। यहाँ सुहागनी ऐसे सुहाग का सामान चढ़ाती हैं और पार्वती माता वट वृक्ष लगाई है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को भी ले चलती हूँ। ये देखिए, हम लोग आए हैं वट सावित्री मंदिर में। ये भैरव बाबा को चढ़ता है ये प्रसाद। ये देखिए, ये कंपलसरी है लेकिन हम लोग नहीं लिए हैं। तो भैरव बाबा के दर्शन के लिए हम सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आए हैं बाबा काल भैरव के मंदिर में और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन है। ये देखिए, हम लोग भी लाइन में खड़े हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग महाकाल के दर्शन कर चुके हैं और हम लोग ये देखिए, ये कॉरिडोर है, इसमें कितना सुंदर शिव जी का मूर्ति है। और ये देखिए, हाँ, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर पत्थरों में कारीगरी किया गया था। ये देखिए, शिव जी का बारात जा रहा है, उस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर है शिव जी और पत्थरों में आप कारीगरी देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर कारीगरी है। और यहाँ पर शिव जी है बहुत ही रौद्र रूप में, और यहाँ पर भी रौद्र रूप में शिव जी को दिखाया गया है।
ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर उकेरा गया है, ये पत्थरों से बना है। दर्शन हो गया है और हम लोग आए हैं खाना खाने। खाना हम हल्का फुल्का खाना खाएंगे क्योंकि सबका पेट भरा हुआ है। सिर्फ हम लोग डोसा इडली ये सब खाएंगे रात में और एक गिलास दूध पियेंगे और सो जाएंगे।